आपने इंडिया में परफॉर्म किया जी, तो उससे आर्टिस्ट भी आपको मिले, तो कोई फीमेल आर्टिस्ट जिसको आप देख के कहे कि यार फीमेल तो इतने अड़ियां नहीं मिलती हैं। देखें आर्टिस्ट कहीं की भी हो, फीमेल तो सबको माशाल्लाह अच्छी लगती है। अच्छा। प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी हम लोग कैफेटेरिया में यशराज में चाय पी रहे थे। सॉरी, आप चाय लेकर आते थे? मैं लेकर आता था, ये बाद में आके कहता थे जी वो नहीं आ रहे, टिप मुझे ही दे। मैं बैठ के सोचता था कि मैं ना नाल बैठ के कीमे पियांगा। ये दिल की भड़ास से निकल रही। क्यों? किस चीज की भड़ास? काश मैं होता लाला की जगह। आप माशाल्लाह बड़े हैं, हमारे इतने नसीब हो जाए। सखावत तुझे पता ही नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। तू मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, रानी मुखर्जी और वो बैठी हुई थी, तो मतलब मैं सोच रहा था यार मैं इनकी फिल्में देखता था, आज मैं इन लोग के साथ बैठा हूँ, तो ये दुनिया बहुत छोटी है, तो अल्लाह ताला ने जिसको जो मुकाम देना है, जिससे मुलाकात होनी है वो होगी। लाला उस वक्त तो आपको बड़ी टेंशन हुई होगी कि प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने आपको कहा होगा कि लाला क्या हाल है। माशाल्लाह, मैं क्या मतलब उनका ड्राइवर था। लाला क्या हाल है, आईसीयू में लेटा हुआ था मैं। अच्छा लाला, खुशी हुई थी कि यार इतनी बड़ी वो वीर ज़ारा की डबिंग के लिए आई थी। आप बैठे मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ यार इमरान, जैसे आज ये सखावत देख रहा है यार मैं लाला के सामने बैठा। शक्तिमान अस्सलाम वालेकुम लाला जी, बिग फैन, बहुत बड़ी ख्वाहिश मेरी आज पूरी हुई, अल्लाह खैर करे। सर मैं आपसे मिलना चाह रहा था। आ जाओ। आई लव यू सर। माशाल्लाह तुम्हारे सारे मंजन बिक गए। क्या ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके शो में, मैं देख रहा हूँ। क्या फैसल मामे? रामे सर, रामे सर, मामे नहीं रामे। अच्छा रामे, क्या अच्छा, जो भी है सर, माशाल्लाह मैं तो आपका फैन हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। लव यू सर। मैंने कुछ लिखा है सर, मैं लिखने की कोशिश करता रहता हूँ। अच्छा, आप वही है जिसने दीवारों पे भी लिखा हुआ जी कि यहाँ लिखना मना है, पर अपना नाम भी लिख देता है वो। मैंने लिखा सर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप। नहीं लाला, उस दिन क्या हुआ था जब भाभी ने फोन करके कहा कि लाला आते हो बिरयानी लेके आना? लाला वो कह देती है कभी कभी, कह देती है। देखे कभी कभी ऐसा होता है ना, तू भी उम्र के उससे में पहुंचने वाला है जी। अचानक ही बेगम को कहते बहन पानी पिला दे। हो जाता जिवें तुसीं कई बारी कहता अगो भाभी ने कहा लै वीरा पीला। लाला देख लो भांडे वाली बोरी हुंदी, ओ बर्तन वाली भांडे वाली बोरी होती है, और इसके कंधे पे होती है। ये गली गली जाके कह रहा था, ओ भांडे कली कर लो। बच्चों को मैंने रेस लगी थी, हार गए। हारना था मुझे, 5 मिनट बाद पता चला उसने मुंह अंदर कर लिया, मेरी रेस किसके साथ हो रही है पता नहीं। क्या बात है लाला जी, कल लूडो खेल रहे थे, खड्डा आया उसमें गिर गए। ये भी साथ में खेल रहे थे, सांप पे गोट आई, सांप की पूंछ से पकड़ के हटा रहे हैं। कल लूडो खेलने में ताना आया, उन्होंने एनकल वाती। लाले ने चिराग रगड़े इन्हें मार पाई। क्यों? चिराग रगड़े विच जिन निकले इन्हें तो पान थोकता। इसने वो कहा जिन को रगड़ा ना चिराग को, जिन ने आके ये नहीं कहा क्या हुक्म है मेरे आका, जिन ने ये कहा जा यार आका को भेज। हनी साहब ने एडा जालम तरीके ना चिराग रगड़िया, वो जेल में सारी चिरीटा पै गई। ओदा फिर मैं इलाज करवाया। अच्छा। हां माशाल्लाह जिन हुन बरसने रोजगार है। की करदा है आजकल? मजाकरा च शायरी करदा।
कुछ लिखा है थर मैंने जी जी मैं कहा रबड़े लेके बैठ गया हूँ आपने लिखा बोले आपको मना किसने किया है वो कसम खुदा की ऐसे आदमी खड़े होते बिल जमा कराने के लिए पांच रुपए कम होते हर आदमी से तरले कर रहे हो यार पांच पांच के पांच नोट हैं तो 20 वापसी का किराया शुरू कर लाला जी ने चिराग कर रगड़ा दिन आके कहता हुक्म मेरे चाचा कहते मैं 5 सिगरेट ले आके दे अच्छा आधे घंटे बाद वापस आया कहता उधार बंद है जी उ मुझे बार बार धोखा हो रहा है कि ये मुंह पे नाक है या समोसा रख गया कैसे है फैसलाबाद का माशाल्लाह ये बड़ा तेज है ये हाँ जी शेर ही सुनाएंगे आज तो रहन दो रहन दो वो अंदर कमरे में आके चाय की प्याली देख के कह रहे थोड़ी भी नहीं बचाई यार लाला जी का दरवाजा खड़ गया कहंदे कौन कहंदे कूड़े वाला कहंदे साडे को अपना है वा तोड़ी लेके टावर ते चढ़ गए मैं क्या की करन दे कहंदे मेरी नजर कमजोर है मैं टाइम देखने जा रहे हैं कोई बात